द्वारा और बताया गया, तो उसके अनुसार उनको पहुंचाई गई। जैसे थोड़ा एक तो कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि इतने दिन से खाने में कम खा पा रहे थे तो कॉन्स्टिपेशन का था, तो वो तत्काल उनको पहुंचाया गया। तो डॉक्टर्स ने बात की, अभी उनके लिए जैसे जो एक मेंटल हेल्थ का भी एस्पेक्ट होता है, उसके लिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी बात की है। और क्योंकि इमीडिएटली एक साथ बात ना करके थोड़े थोड़े समय में बात की जा रही है, ताकि आराम से वो लोग एक एक करके बात कर पाएं, तो एक एक करके सभी से बात करने का उनका अभी टारगेट है कि सभी से एक बार जो भी एक उनकी मेंटल हेल्थ का एस्पेक्ट जानने के लिए एक साइकेट्रिस्ट जो हैं एक्सपर्ट हैं वो बात करेंगे। इसके अलावा उनसे मैंने स्वयं बात की है, उनके जो हेड हैं हमारे खुले सर ने उनसे बात की है, तो उनका काफ़ी अच्छे वो मोटिवेटेड हैं, काफ़ी इस समय अपने इस रेस्क्यू अभियान के बारे में जानकर उनमें थोड़ा उत्साह भी बना है जब से पाइप डाला है, तो वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि अंदर जो टीम है वो आप लोगों ने वीडियो भी देखा है, उनके विजुअल्स भी देखे हैं, और जब उनसे बात भी हुई है तो बात से भी सुन के पता चलता है कि वो लोग काफ़ी अच्छी मेंटल स्थिति में हैं और दे आर मोटिवेटेड। वो कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल हम लोग यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में आप लोगों को अवगत करना चाहते थे कि खाना सफिशियंट क्वांटिटी में उनके पास पहुंच गया है। जो कुक्ड फूड होता है, जो फ्रेश ली कुक्ड फूड होता है, वो भी उनके पास पहुंचाया जा रहा है लगातार। अब उसके बाद से जैसे आप लोगों को पता है, जैसे फूड पाइप एस्टेब्लिश हुई है जो हमारी 6 इंची वाली, उसके माध्यम से सारी चीज़ें हमारी जा रही हैं सुचारू रूप से। नीचे जो काम चल रहा है वो एक अलग मशीन से चल रहा है, और जो फूड पाइप है वो फूड पाइप का अलग से उसमें काम लगातार इस प्रकार से जारी है, जिसके द्वारा कम्युनिकेशन और खाना वगैरह कुछ एसेंशियल, इवन उनके लिए कुछ कपड़े, जैसे कि आप जानते हैं अंडरगारमेंट बेसिकली जो आदमी को जरूरत होती है, टॉवल्स वगैरह, इस तरीके के छोटे छोटे तहमल वगैरह जो उसमें जा सकते हैं, वो भी चीज़ें, ब्रश, वो चीज़ें भी पहुंचाई गई हैं। जो असेंशियल्स हैं, जो बेसिक असेंशियल्स होते हैं, उनकी भी कोशिश की जा रही है जैसे जैसे जाते जाएंगे। तो ये आप सभी को अवगत कराना। नाउ द फ्लोर इज ओपन। मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन जैसे आप चाहते हैं सर, एक आपसे सवाल कि मतलब अगर किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है तो कितना समय लग सकता है आपको पाइप इंसर्ट करने, क्योंकि आपने रात से बताया 12:45 से काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है, 18 मीटर बहुत ज्यादा होता है, तो अब कितनी उम्मीद है अगर कोई अड़चन नहीं होती है तो? अगर कोई अड़चन नहीं होती है, जैसे कि कल मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि बड़े बोल्डर आ सकते हैं, पत्थर बड़ा आ सकता है, कोई लैटिस गर्डर अंदर होते हैं हमारे, आप लोग को ये भी मैं बता दूं, एक आयरन रॉड भी मक के साथ, मतलब मलबा के साथ जो मशीन काट के फेंकता है उसके साथ एक बड़ा सा आयरन रॉड भी आया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो अंदर ट्विस्ट होके टर्न होके मशीन को रोका नहीं, उसने सीधे ही निकाल के फेंक दिया। तो बड़ी सारी अड़चनें आ सकती है, लेकिन अगर ना आए, और उम्मीद करते हैं कि अगले देर रात्रि तक या कल सवेरे कुछ सबको मिले, और हम सब जो हम अपनी मेहनत इतनी की है, सबने इतनी सबर से इतने दिन अभी गुजारे काटे हैं, ये खुशी का मौका जल्द से जल्द देखने को मिले। इसमें सर 18 मीटर की जो हमारी प्रोग्रेस हुई है, एग्जैक्ट इसमें कितना टाइम लगा है, क्या पहले के मुकाबले अब जो हमारी स्पीड है वो इम्प्रूव हुई है, इंक्रीज हुई है? देखिए, जो पाइप जो पुश किया जाता है या ऑगर जो ड्रिलिंग करता है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। समय लगता है कि जब आप 1-6 मीटर का पाइप अंदर डालें, फिर उसके बाद पिछले वाली जो पाइप गई आगे उसके साथ वेल्डिंग करना होता है अगली पाइप को, उसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। और वेल्डिंग सबसे ज़रूरी है, सबसे ध्यान से करना है, क्योंकि वेल्डिंग को कम से कम पाइप की मजबूती या उससे ज़्यादा मजबूती देना है, क्योंकि वो एक वीक पॉइंट हो सकता है। तो 4-5 घंटे उसमें लगते थे पहले, वो हमने अभी 3-3.5 घंटे तक लाया है। तो अगर भी 3 पाइप और चाहिए तो वो वही सिर्फ 12-15 घंटे हो गए, फिर देखते हैं अब आगे 15 घंटे और जाना है अभी जितना बचा हुआ है। हमने 39 मीटर जैसे हमने बोला अब हम कर लिए हैं, तो हमारा जो भी अंदाज है, अनुमान है, जैसे फूड पाइप भी हमने पहले भेजा है, तो 57 मीटर तक हमें उम्मीद है कि हम ब्रेक थ्रू कर पाएं। तो 18 मीटर की बात है, 18 मीटर की पाइप हो गई है। और ये पूछा जाता है, ये टेलीस्कोपिक मेथड थोड़ा एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि 900 के अंदर 800 mm की जरूरत कैसे? जी, कल भी मैंने ये बात बताया था। तो एक जो साइज होता है, जैसे ये 900 mm का डाया है, वो करीबन 20 मीटर तक गया, लेकिन अगर उसमें उतना ज़्यादा प्रेशर, जितना भी ज़्यादा प्रेशर आप डालो, अगर आगे जाने में और प्रेशर वो
मांगता है, तो मशीन में उतनी ताकत होनी चाहिए, मशीन की ओवर कैपेसिटी भी हम नहीं कर सकते। तो टेलीस्कोपिंग एक ऐसा मेथड है कि आप पाइप के अंदर और एक पाइप डालें, तो पहला वो 21 मीटर तो आराम से चला जाएगा, क्यों स्मूथली चला जाएगा, बड़े पाइप के अंदर है, और उसके बाद उसको स्ट्रेंथ मिल जाता है वहीं से सिर्फ पुशिंग करने का। तो छोटा हल्का सा डाया कम किया लेकिन स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा मिला हमें। टोटल कितनी पाइप चली गई अभी तक? और सर कि अभी 800 mm की डायमीटर से पाइप करोगे, इसके लिए बाद में क्या कम किया जाएगा, क्या 700 जाएगा, ऐसा कुछ होगा टेलीस्कोपिक प्रेशर से? देखिए ये टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हम लगातार इस पे काम करते रहते हैं और हमें डायनामिक रहना होता है, और अगर हल्की फुल्की कोई अड़चन आई, जैसे मैंने 800 और 900 के बारे में बताया आपको, उसमें अगर हमें लगा कि मशीन जो है हमारा 600 टन प्रेशर डालता है, अगर हम देख रहे हैं कि उसका कैपेसिटी के करीब करीब आ रहा है, कोई भी मशीन का हम ऑप्टिमम कैपेसिटी बिल्कुल 600 टन पे हम नहीं डालेंगे प्रेशर, तो अगर हम देखेंगे एक थ्रेशोल्ड के आसपास वो आ रहा है, शायद ये डिसीजन लेना पड़े, बट ना ले तो बेहतर है, ताकि जल्दी जल्द से जल्द हम 800 mm फिर जाएं। क्योंकि अगर मशीन काम कर रही है, लगातार काम चल रहा है, अगर मशीन लगातार काम कर रही है, ड्रिलिंग का काम लगातार चल रहा है, तैयार है, अभी तक की टीम सब जगह रेडी, बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, आगे भी अच्छा काम कर रहा है, और उम्मीद करते हैं आपको अगले जितने घंटे तैयारियां की जा रही है काम करे बिल्कुल ठीक ठाक, तैयारियां की जा रही है। क्या ऐसा मान सकते हैं कि जो चांसेस होते हैं बड़े रॉक ऐसे किसी चीज का आने का, वो मिड में ज्यादा होते हैं, एंड नाउ वी हैव क्रॉस डेट, तो चांसेस कम है, ऐसा हो सकता है? आपकी पहली बात सही है कि मिड में चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि एक जो स्ट्रक्चर बनता है जब मलबा गिरता है, वैसे पिरामिडिकल ही बनता है, तो बीच में सबसे ज्यादा अड़चने आने की उम्मीद या हम सोचते हैं कि सबसे ज्यादा अड़चन वहां आए, और ऐसा नहीं कि हमने पूरा वो क्रॉस कर लिया है, अभी भी और 8-10 मीटर रास्ता बाकी है, पूरा तो 18 है, बट कम से कम हमें 50 मीटर तक आने दीजिए, फिर हम ये बात कह सकते हैं। 22 से 45 मीटर का एक क्रिटिकल जो है बनाया था, तो उसका तो एक बड़ा हिस्सा हमने जो है क्रॉस कर लिया है, तो अब माना जाए कि मतलब 60-70% अड़चन में हमने दूर मतलब क्रॉस कर ली है। देखिए ये ऐसी बात है कि 100 है या 0 है, तो हमें पूरा ब्रेक थ्रू करने दीजिए, इसमें हम ना जाएं तो बेहतर। सर आपने बातचीत की है, आपने मजदूरों से बातचीत की है तमाम तरीके से, तो क्या सभी मजदूरों से बातचीत की है, कुछ लोगों से बातचीत हुई है? क्योंकि 41 लोग हैं, सबका हालचाल जानना समय लगता है उसमें बातचीत करने में, तो क्या सभी से बातचीत हुई है? नहीं, ये संख्या 40 से 41 हो गई, 42 से 45 तो नहीं होगी, कल एक चर्चा थी कि एक आधा समय और अंदर सर पहले वो सबसे बातचीत हुई है। डॉक्टर्स की जो बात हो रही है वो एक एक करके सभी से बात कर रहे हैं, अभी कुछ लोगों से कर चुके हैं, कुछ लोगों से अभी ऑलरेडी जारी है, तो जो मतलब जो उनके रिप्रेजेंटेटिव टाइप के जो उनमें से थे, जो सबसे उनके सीनियर मोस्ट लोग थे उनसे बात हुई है, कुछ जो बाकी लोग थे उनसे बात हुई है, बाकी सभी से डॉक्टर एक एक करके जो कहते हैं ना काइंड ऑफ कंसल्टेशन, वो सबका जारी है, जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।